किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। आज मैं दिखा रहा हूं आपको ड्रैगन फ्रूट के फंगस की पहचान की दूसरी वीडियो। पहले मैंने ये सोचा था कि जो दूसरी वीडियो होगी वो अंतिम वीडियो होगी, लेकिन जो लोगों ने मुझे कमेंट लिखे हैं उन्हें देखकर मुझे लगा कि मुझे बीच में एक छोटी सी वीडियो और देनी चाहिए। जो मेरी पहली वीडियो थी उसे लोगों ने बहुत प्रशंसा की है और कुछ ने कमेंट भी दिए हैं कि ये तो पता भी है लोगों को। किसान साथियों, जो मेरी अगली वीडियो होगी उसे मैं व्यवस्थित कर रहा हूं और उसमें ये बताऊंगा कि इस फंगस की जब हमने स्लाइड बनाई तो वो स्लाइड कैसी बनी और उस स्लाइड से कैसे पहचान की कि यही फंगस है। थोड़ा वैज्ञानिक कार्य है लेकिन आपको बहुत फायदा होगा। इस आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं कि आप ये देखें कि जो आप दवाई डालते हैं क्या आपको पता है कि इसमें कौन सी फंगस है और इस फंगस में कौन सी दवाई करते हैं, ताकि जब मैं अपनी वीडियो दिखाऊं तो उस समय ये ना कहें कि ये तो हमें पहले से ही पता था। आप सब कमेंट में कर बताएं कि मेरे यहाँ इतनी फंगस निकली है और हम उसके लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। किसान साथियों, मैंने बताया था कि अधिकतर किसान 7 दवाई का प्रयोग करते हैं। 7 दवाई का प्रयोग करने में कुछ भी नुकसान नहीं है, अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग किस फंगस के लिए किस प्रकार करना है ये बताऊंगा मैं आपकी अगली वीडियो में। एक फंगस के लिए कम से कम 2 से 3 दवाई बताऊंगा और उनको किस प्रकार कम्बिनेशन करना है मैं ये भी बताऊंगा। और आपको ये आश्चर्य होगा कि इससे हम 95% से ज़्यादा फंगस में कंट्रोल करने में हम सफल हुए हैं। आप भी करेंगे बहुत अच्छा होगा। ये जो मेरा फार्म है, ये मेरा 7 नंबर का फार्म है कृपाल सागर का। यहाँ पर रेतली ज़मीन है और पिछले साल इसमें पानी आ गया था, बाढ़ का पानी। जो दरियापुर एक गांव है यहाँ पर, तो दरिया है और दरिया का पानी तोड़ दिया था, ऊपर आ गया था बहुत, तो उससे ये पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। जब ये पौधे ख़राब हुए तो हमने इनकी दोबारा से यहाँ से कटिंग की, इनको यहाँ पर खाद पानी लगाया। अभी भी देखिए, मैंने कल ही इसमें ये गोबर का खाद लगवाया है और ऊपर से थोड़ा DAP दिवाया है मैंने। जो आप देख रहे हैं कि जो मेरे ये ड्रैगन फ्रूट हैं, इसमें फल लगे हुए हैं, ये मेरी तीसरी बहार है। 2 बहार मैं ले चुका हूँ इसमें से, मतलब 2 बार तोड़ चुका हूँ और हर 2 बहार के बीच में 10 से 15 दिन का समय लगता है, 10 दिन कम से कम लगते हैं। इसके बाद क्या है कि ये फूल आ गए, ये इससे अगली बहार के फूल हैं। ये देखिए, ये बड़ा हो गया, ये अब 2-3 दिन में फूल बन जाएगा और इसके बाद में ये फल बनेगा। इसके बाद जो अगली बहार आएगी वो देखेंगे, छोटे छोटे फ्लावर निकलने शुरू हुए हैं आपके। बड्स हैं ये, इनको बड्स बोलते हैं, ये काफ़ी बड्स हैं। ये देखिए यहाँ पर भी है, तो इस प्रकार से ये इसकी अगली बहार होगी और नवंबर के अंत तक ये हमें फल देता रहेगा। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक चित्रकार था, उसने एक पेंटिंग बनाई और कई वर्षों के अथक प्रयास से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग को उसने एक सार्वजनिक स्थान पर लगाया और उसके नीचे एक संदेश लिखा। संदेश था कि इस पेंटिंग में क्या कमी रह गई है आप ये बताएं। शाम को जब वो आया तो उसे आश्चर्य हुआ कि पूरी पेंटिंग पर क्रॉस लगे हुए थे। लोगों ने बताया यहाँ पर भी कमी है, यहाँ पर भी कमी है, यहाँ पर भी कमी है। वो बहुत व्यथित हुआ, बहुत दुखी था। तो उसका एक मित्र उससे मिलने आया अगले दिन। उसने कहा, भाई क्यों दुखी हो रहे हो कि मैंने वर्षों से मेहनत कर एक पेंटिंग बनाई थी
और इस पेंटिंग में मुझे नहीं लगता कोई कमी, और देखे लोगों ने इसको कैसा कर दिया। उसने कहा कि तुम ऐसी ही एक पेंटिंग और बनाओ, और उस पेंटिंग को जब बना लोगे उसी जगह पर लगाना, और उस पर जो मैं बताऊं वो लिखना। जब उसने पेंटिंग दोबारा बनाई तो उसके मित्र ने बताया कि इस पर लिखो, अगर इसमें कोई कमी है तो उसे ठीक कर दे। शाम को जब चित्रकार आया तो उसे उस पर कोई भी निशान नहीं मिला। ये हुई एक बात। दूसरी बात एक और हुई, एक और कहानी मैंने सुनी थी। दो बाप और बेटे, उनके पास एक खच्चर था, उसे लेकर जा रहे थे। गर्मी का समय था तो आगे कुछ लोग मिले। उन लोगों ने कहा कि देखो कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग, कि दोनों पैदल जा रहे हैं और खच्चर खाली है। तो बाप ने सोचा कि बेटा छोटा है और बाप को प्यार भी होता है, कि उसे कहा तुम इसके ऊपर बैठ जाओ और मैं इसकी लगाम पकड़कर चलता हूँ। वो चलने लगे, थोड़ी दूर आगे गए तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, देखो भाई कितना अन्याय हो गया, घोर कलयुग है, जवान बेटा खच्चर पर बैठा है और बूढ़े बाप को पैदल ले जा रहा है। तो बाप ने कहा बेटा ऐसा करो कि तुम नीचे आ जाओ और मैं ऊपर बैठ लेता हूँ। उसने कहा हाँ पिताजी ये सही रहेगा। तो दोनों चलने लगे, आगे गए तो कुछ लोग और मिले और उन्होंने कहा देखो भाई क्या ज़माना आ गया है, एक बालक को पैदल चला रहा है और बूढ़ा खुद इस पर बैठा है। तो उसने कहा कि भाई ऐसा करो तुम भी इस पर बैठ जाओ, हम दोनों बैठते हैं। तो मैं दोनों बैठ गए, थोड़ा आगे चले तो कुछ लोगों ने फिर कमेंट किया, कहता देखो जी कितना घोर कलयुग आ गया कि घोड़े की जान निकाल रखी है, दोनों बाप बेटे सन मुसन और दोनों इस पर बैठे हैं। किसान साथियों, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। मेरी वीडियो के बहुत ज़्यादा लाइक नहीं होते हैं, लेकिन मैं मेहनत बहुत करता हूँ, और कुछ वीडियो के इतने लाइक आते हैं तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों आए हैं। हो सकता है उनको ये विषय पसंद आता हो, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो किसानों को वैज्ञानिक रूप से शिक्षित करने का है और उन्हें प्रोफेशनल बनाने का है, यानी वो व्यावसायिक रूप से सफल किसान बने। इसीलिए मैं आपसे 5 दिन का समय मांग रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखकर कमेंट करें कि जो दवाई आप डाल रहे हैं, अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करें जो दवाई डाल रहे हैं वो किस फंगस की दवाई है, ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको ये पता है कि ड्रैगन फ्रूट में कौन कौन सी फंगस आती है, जो 4 मैंने बताई हैं इससे पहली वीडियो में, उनको मिलाकर उसका नाम लिखकर भेजिए, और उसकी क्या दवाई आप प्रयोग करते हैं मुझे वो भी भेजिए। मैं देखूँगा कि क्या अगली बार कमेंट करने से पहले वाकई आपको ये पता था या नहीं पता था। इसे आप अन्यथा न लें। मैं आपको अगली वीडियो में जो फंगल के हमने सैंपल लिए थे वो भी दिखाऊँगा, जो उससे स्लाइड बनाई थी वो भी दिखाऊंगा, उस स्लाइड को कैसा दिखाई दे रही थी जब हमने जो फंगस डिटेक्ट की वो भी दिखाऊंगा, और उस फंगस की कौन कौन सी दवाई और अलग अलग कंपनियों की कौन सी दवाई प्रयोग कर सकते हैं आप, महंगी से महंगी लेकर और सस्ती से सस्ती जो मैंने की हैं मैं वो भी बताऊंगा। आशा है कि आप मेरी विनती का ध्यान रखेंगे और मुझे अधिक से अधिक इस पर कमेंट करेंगे कि क्या आप वाकई जानते हैं या जानने के इच्छुक हैं। इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।